अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पीले रंग के पोस्टकार्ड व चिट्ठियां भेजना अब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं, लेकिन इसी माध्यम से नवादा में आम मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आम मतदाताओं को मत देने के लिए जागरूक करने के लिए अब पोस्टकार्ड भेजने का तरीका अपनाया जा रहा है। चुनाव की तिथि नजदीक आई तो ये चिट्ठियां दोबारा से गांव व कस्बों में दिखने लगी। कुआकोल से खुदेवरा के जितेंद्र मांझी और ऐसे कई लोगों को ये चिट्ठियां मिली हैं। शुरू में उत्सुकता के साथ सबने पोस्टकार्ड को देखा और बाद में जब वोटर जागरूकता का संदेश जाना तो सबने कहा कि वोट जरूर देंगे। इन पोस्टकार्ड में जिला प्रशासन की ओर से वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं और मतदान अपना बहुमूल्य वोट जरूर करें। हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। एक प्लान के तहत शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ICTS और सभी सरकारी कर्मी चाहे प्राइवेट भी, सबको लगाया गया है। फ्लेक्सी का माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। 11 अप्रैल 2019 को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में अपने मत। अभी तक कितना वितरण हुआ होगा सर? अभी तक पोस्टकार्ड का वितरण 12,000 हम लोग महादलित टोलों में कर दिए हैं। PWD जो भी मतदाता होंगे उनके यहाँ भी पोस्टकार्ड के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। एक और इस पोस्टकार्ड को पाकर जहां आम मतदाताओं में खुशी देखी जा रही है, वहीं जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस तरह के अनूठे प्रयासों से मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। विकास मित्रों के माध्यम से अभी ये चिट्ठियां ग्रामीण क्षेत्र के गरीब टोलों में पहुंचाई जा रही हैं। नवादा से न्यूज के लिए अमन की रिपोर्ट।